हेलो, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी जेई के थ्रू एसएससी ने अपना आंसर की रिलीज किया हुआ है। ये देखिए, एसएससी के वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे ये पहला ही नोटिस दिया हुआ 14 अक्टूबर को आज ही इसने रिलीज किया है। क्या क्या इसके बारे में जानकारी देखना चाहता हूँ एक बार, देखिए क्या क्या दे रखा है इन्होंने। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा आपके लिए। और देखिए इसमें दिया क्या क्या है। एसएससी ने जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए ये जो निकाला, तो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वालिटी सर्वेइंग के लिए है, तो इसके जो है आंसर की इसने आज अपलोड कर दिए हैं। इसमें क्या क्या है, कब तक क्वेरी रेज कर सकते हैं, इसमें हर क्वेरीज के लिए इसने 100 रुपये का रखा है, 100 रुपये लगेंगे। 5 क्वेश्चन के लिए 500 रुपये रखा है इन्होंने। द क्वेश्चन बेस्ड ये सर्वेइंग क्वालिटी जो 23 से 27 के बीच हुआ था, क्लियर ना, 23 तारीख से 27 के बीच हुआ था एग्जाम एसएससी जेई का, उसका आज इसने आंसर की रिलीज कर दिया है। कैंडिडेट को जो है एक नीचे लिंक भी दिया हुआ है, मैं अभी आपको लिंक दिखाता हूँ कि वो लिंक जो दिया हुआ है उस लिंक पे जाके किस तरीके से आपको क्वेरी रेज करना है। पहले अपने आंसर कीज देखने हैं, उसके बाद आप जैसे ही देखोगे, ये देखिए ये जो क्वेरी कब तक रेज कर सकते हैं आप, क्वेरी जो रेज करने का डेट है 14/10/2019 से 12 बजे आफ्टरनून के बाद, फिर 17/10/2019 तक डेट है आफ्टरनून तक, ऑन पेमेंट ऑफ 100 रुपी पर क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन पर आपको 100 रुपये चार्ज पे करने होंगे, क्लियर ना। और ये 17 के बाद डिसेबल हो जाएगा, 17 के बाद एक्टिवेट नहीं रहेगा ये लिंक। द कैंडिडेट में टेक प्रिंट आउट देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स शीट, क्लियर ना, उसका प्रिंट आउट भी करेगा कैंडिडेट्स। और देखिए ये आज ही का डेट है, ये देखिए 14/10/2019 को आया हुआ है आज ही के डेट में, अभी अभी जस्ट रिलीज किया एसएससी ने। उसके बाद कैंडिडेट को एक लिंक दिया हुआ है, देखिए आप एसएससी ने एक लिंक दिया हुआ है कैंडिडेट को। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको एक नया पेज खुलेगा। ये देखिए लिंक को हमने क्लिक कर दिया है। अब आपने यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये है मॉड्यूल फॉर कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स करेक्ट आंसर की सबमिशन रिस्पॉन्स की, क्लियर ना। इस पर जाके आप क्लिक करेंगे और अपना जो भी आईडी पासवर्ड वगैरह वहाँ से आपसे मांगता है उसको जाके फिल करेंगे। ये देखिए ये खुल जाता है। उसके बाद इसमें अपना आप क्या करेंगे, यूजर आईडी डालेंगे और फिर अपना रिस्पॉन्स की यानी पासवर्ड आप डालते हैं यहाँ पे, तो खुल जाएगा इस तरीके से। गाइस मैं इसके लिए ज़्यादा ही अपडेट आपको बोर्ड पे पूरा बताऊंगा, अभी जस्ट ये एक इन्फॉर्मेशन था अपडेट। तो आप ज़रूर इसके आंसर की को देखें किस तरीके से क्या क्या दिया गया है और एसएससी की तरफ से, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो इस चीज़ को मैं अभी डिटेल में ब्रीफ में आपको बताऊँगा जल्दी ही कि इसके लिए नेक्स्ट आपको करना क्या क्या है अभी और ये किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आपने जाके पहले तो अभी आंसर की मैच कीजिए आप जाके, और आंसर की मैच करने के बाद अपने अपने मार्क्स को यहाँ पे एक बार आप बता सकते हैं पूरा ब्रीफ में, और मैं उसके अकॉर्डिंग जो कटअप भी जारी कर रखा है, पर उसके बाद फिर इस कटअप को फिर से एनालाइज करेंगे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, क्लियर ना। तो इस चीज़ के बारे में आप जरूर आंसर की देखें, ये आपके लिए लेटेस्ट अपडेट था। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस।